एक दबाए प्रेस टू फॉर इंग्लिश। मराठी साथी सभी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। PACL के जानकारी के लिए एक दबाए, सहारा के जानकारी के लिए हमारे सभी। नमस्कार सभी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं मिश्रा आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैम जी, मैम मैं PACL का पीड़ित निवेशक हूँ, मुझे कुछ PACL की अपडेट चाहिए थी। जी मैम, हमारा शुभ नाम US खान है और हम उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। ओके, तो मैम हमारा अमाउंट 5 लाख के आसपास है, 3 बॉन्ड है मेरे पास और 1,70,000 ही सकते हैं जी। जी ये तो 2018 मैम, ये तो बहुत टाइम हो गया आपको, प्रोसीजर चालू करते हुए 2 साल हो गए लेकिन आपने अमाउंट नहीं बढ़ाया, इसी बात की हमें बहुत दुख है। कौन सी कमेटी से? एक तो लोढ़ा कमेटी है जी। जी 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 मैम, एक मिनट में पूछना चाहूँगा मैम जी, RM लोढ़ा जी ने सारी तो प्रॉपर्टी बेच दी PACL की, ऑस्ट्रेलिया से जितने रिसॉर्ट थे PACL के सब बेच के लगभग पैसा आ गया, और जितने भी यहाँ पे इन्होंने बैंक इनके सीज किए थे PACL के जितने 600 अकाउंट थे उन सबका पैसा इनके पास आ गया। फिर मैम जी ये देरी किस बात की है, हमारे बड़े अमाउंट वालों के लिए देरी किस बात की हो रही है? और बात अगर मैम जी छोटे अमाउंट वाले की करें तो 5,85,00,000 निवेशकों में से अभी तक मैम जी केवल 12 लाख निवेशकों को ही रिफंड प्रोसीजर दिया गया, और जबकि निवेशकों की संख्या 5,85,00,000। तो मैम जी ये ऊँट के मुंह में जीरे समान इस वक्त जो प्रोसीजर RM लोढ़ा जी की तरफ से चल रहा है, और इस प्रोसीजर से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि RM लोढ़ा जी को समझना चाहिए कि 2013 और 14 से हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है, और कंपनी जैसे कि आप जानती थी कि 5.5 साल में डबल करके कंपनी हमें पैसा देती थी, कई बार इस लीगल कंपनी से मैं अपनी मैच्योरिटी उठा चुका, लगभग 20 साल से मैं इस कंपनी में निवेश करता आ रहा हूँ, लेकिन अब लास्ट जो अब ये आपने 2014 में इस कंपनी को बंद किया, तो इस कंपनी को चलो आपने बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कुछ आपको कमी लगी होगी, लेकिन मैम साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से RM लोढ़ा इस वक्त निवेशकों का प्रोसीजर चला रहे हैं, इस तरीके से अगर ये प्रोसीजर चलता रहा तो मैम साहब भविष्य में कभी निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा। 1 दशक हो चुका है हम लोग इस तरीके से हैं कि आसमान से गिरे और खजूर मटके, समझ रहे हैं ना मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ जी? जब आप समझ नहीं है तो आप इन RM लोढ़ा की आपने बात की मुझसे, तो मैं इस चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए थे RM लोढ़ा जी, इनकी भूमिका इस वक्त हमें बिल्कुल संगंधित नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने ठीक है बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के मैटर निपटाए होंगे, लेकिन ये PACL का मैटर इनके बस की बात नहीं है सुलझाना। नहीं नहीं मैं आपको दोषी नहीं दे रहा हूँ, मैं सेबी को दोषी नहीं दे रहा हूँ, सेबी एक अच्छी संस्था है और भारत सरकार की बहुत बड़ी संस्था है जो पूरी इंडिया की जितनी कंपनियाँ उनको कमांड करती है, लेकिन ये प्रोसीजर जो है हमारा मैम जी ये गलत जगह पहुँचा दिया। अगर आपने कंपनी के थ्रू दिलाया होता हमें पैसा तो आज हमें 1 दशक से खून के आंसू नहीं रोने पड़ते, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 5.25 साल में कंपनी डबल करके देती थी और कई बार हमने इसका इससे मुनाफा उठाया। अगर आपकी नज़र में 1982 से चलने वाली ये कंपनी
गलत तरीके से धन वसूली कर रही थी, तो मैम जी हमारा TDS क्यों काटा गया? हम लोगों का जो साल के साल क्लोज कंपनी का हुआ, सारे इसके टैक्स जमा होते थे, उसके बाद हम लोगों का जो इसमें कमीशन बनता था वो भी TDS हमारा कट के सरकार के खजाने में जाता था, तब सेबी क्या कर रही थी? मैं आपसे जवाब मांगता हूं कि सेबी के अंडर में अगर ये कंपनी थी तो आपने 40 साल तक देश को लुटवाए रखा, क्या आपके पास कोई जवाब है? हो तो मुझे दो जी। नहीं नहीं, मैं मान रहा हूँ, मैं मैडम जी, मैं आपकी बात से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सीमित जानकारी देकर यहाँ पर हेल्पलाइन पर बिठा दिया जाता है, आपसे हमारी कोई मतलब नाराजगी नहीं है, आप जो है बहुत अच्छे हो और हमारी बात को सुनते हो, लेकिन हमारी बात को आप आगे पहुँचाते हो, आगे पहुँचाने के बाद भी उसको इग्नोर किया जाता है बड़े अधिकारियों के द्वारा, हमें इस बात का खेद है, क्योंकि 5.25 साल में कंपनी दुगना पैसा करके देती थी, आज सरकार हमारे प्रोसीजर को लेकर बैठी है और 10 साल हो गए, क्या हमें सरकार जो हमारा पैसा जो हमारा 5 लाख है क्या वो हमें 15 लाख दे सकती है? आप तो क्या ये कह रहे हैं कि जमा धन देंगे, अरे जमा धन भी हमारा टाइम से नहीं दिया आपने, 10 साल निकाल दिए। मुझे ये बताइए कि ये जो इतना बड़ा लॉस हमें दिया गया, ये इतनी बड़ी सजा हमें दी गई, इतने बड़े विभाग के द्वारा जाँच की गई, मैम हम किस कसूर में थे? जबकि कंपनी ने आपके आपकी कंपनी, मैं पल्स कंपनी को कह रहा हूँ मैम, उस कंपनी ने प्रोसीजर दिया था जब RM लोढ़ा जी ने प्रपोजल निकाला था कि कोई भी कंपनी इस कंपनी का पैसा दे सकती है, तो मैम मुझे ये बताइए कि जब 12 प्रपोजल आए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रपोजल आए थे, उसमें PACL का भी प्रपोजल, 12वां प्रपोजल PACL का था, PACL के मेजरमेंट ने यह कहा था कि हम अपनी तरफ से अपने निवेशकों को पैसा दे देंगे, तो फिर क्या कारण था जो RM लोढ़ा जी ने उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया? कोई जवाब नहीं है मैडम जी हमारी बात का, हमारे सामने 1000 आपके ऐसे लूज पॉइंट हैं जिनको लेकर हम आज अपने सिर को पकड़ के बैठे हैं कि हम ऐसे भारत सरकार में बैठे हुए जहाँ निवेशकों को, गरीब निवेशकों का पैसा लेकर बैठ गई ये कंपनियाँ हो या ये सरकार हो, हम लोग तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम लोगों का भविष्य खराब कर दिए, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ खत्म हो गई, हमारी दुख बीमारियों में हम लोग मर गए, कोरोना महामारी में इतनी बड़ी ये प्रलय आया, इतनी बड़ी तबाही आई, उसमें भी हम लोगों का प्रोसीजर वहीं के वहीं टांग रखा है, 10,000 से ऊपर का प्रोसीजर अभी तक चालू नहीं हुआ। मैम जी आपसे हमारी बाय रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी इस जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसको आप सीनियर तक पहुँचाओ, सीनियरों को पता तो चले कि हम कैसे जी रहे हैं, किस दुख दर्द में जी रहे हैं, कितनी बड़ी परेशानी हमारे सामने खड़ी है। RM लोढ़ा जी इससे वाकिफ हैं और वाकिफ हैं तो फिर अनजान है, बताइए। मैम पहले क्लियर कट कह दिया कि आपका हाथ में नहीं है, आप तो दोषी नहीं है, दोषी RM लोढ़ा जी है, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की आदेश था कि 6 महीने के अंदर अंदर सब निवेशकों का पैसा दे दिया जाए, विध ब्याज दे दिया जाए, आज 6 साल हो गए प्रोसीजर चालू, यानी कि 2016 में ये मैम जी आदेश आया था और आज 2021 ख़त्म होने वाला, 6ठा साल लगने वाला, तो आप बताइए कि क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट इतनी मतलब अपंग हो गई, इतनी मतलब क्या हो गई जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी मतलब आप लोग अवहेलना नहीं कर पा रहे, मतलब उसकी कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रही, कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं। मैम जी हम बहुत परेशान हैं, हम लोगों का करोड़ों रुपया यहाँ पर लगा हुआ है, मैं एक एजेंट हूँ और इस कंपनी में 4-6 साल से काम कर रहा था, 4th रैंक मैंने कितनी मेहनत से इसमें पास की थी, और आज हमारा भविष्य इस कंपनी का भविष्य हमारे लिए बहुत उज्जवल होता, लेकिन हमें बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से हम लोग बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ खराब खत्म हो गया, बस दैट्स ऑल। डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कर ही रहे करेंगे, मरते दम तक करेंगे इंतज़ार, हमारा काम और रह क्या गया, केवल इंतजार ही करना रह गया, और हमारे पास क्या है। मैम जी हम तो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते ही करते मर जाएंगे,
अपडेट कब आएगी बड़े निवेशकों के लिए? शायद हमारे बच्चों को, नॉमिनी बच्चे हैं, बच्चों को भी मिले या बच्चों के बच्चों को मिले। बाकी ये लड़ाई खत्म नहीं होने की मैम जी, लड़ाई तो हमारी ये चलती रहेगी। हम अपने हक के लिए बराबर लड़ते रहेंगे। हालांकि प्रोसीजर चालू है, लेकिन हम लोगों के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला, प्रोसीजर से संतुष्ट नहीं है, कछुआ चाल है प्रोसीजर की, निवेशक परेशान है, बदहाल है, आत्महत्या करने पर मजबूर, इस वक्त एजेंट हो चुके हैं, ना जाने किसने मर चुके जी। चलो आप कह रहे हैं तो हम इंतजार करते रहेंगे, जब तक भी करेंगे। मैम जी सेवी की वेबसाइट से कोई रिप्लाई नहीं आती हमारी, कुछ नहीं होता। हम कितनी भी हमने कोशिश की, आपने बहुत अच्छे अच्छे हमें वेबसाइट बताई कि, लेकिन फिर भी हमारा मतलब कुछ नहीं हो पा रहा। आप लोग से हमें थोड़ी सी उम्मीद है कि आप लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप करिए प्लीज़, हमारी आपसे रिक्वेस्ट। मैम जी बस हमारी तो शुरू भी यही है और आखिर भी यही है, यही हमारी परेशानी। अगर आप इस परेशानी से हमें निजात दिला दो तो हम आपके ऋणी रहेंगे सदैव जी। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। ओके 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 नो ओके 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 मैम, आपका भी दिन शुभ, धन्यवाद।